दक्षिण अफ्रीका के कोच मार्क बाउचर आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस के नए कोच बन गए हैं। वह श्रीलंका के मोहल्ला जयवर्धने के स्थान लेंगे। बाउचर ने 12 सितंबर को यह ऐलान किया था कि वह दक्षिण अफ्रीका की टीम के मुख्य कोच पद से टी20 वर्ल्ड कप के बाद हट जाएंगे। जयवर्धने ने 14 सितंबर को कोच पद से हटने का इस्तीफा दिया था। बाउचर ने फ्रेंचाइज द्वारा जारी बयान में मुंबई इंडियंस के बारे में कहा, एक फ्रेंचाइज के रूप में उनके इतिहास और उपलब्धियों ने उन्हें स्पष्ट रूप से दुनिया के सभी खेलों में सबसे सफल खेल फ्रेंचाइज में से एक के रूप में जिम्मेवारी सौंपी है। मैं ये चुनौती कबूल करता हूँ। जयवर्धने मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज से अलग नहीं हुए हैं। उन्हें मुंबई इंडियंस ग्रुप की तीन टीमों के प्रदर्शन को बेहतर करने की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएल के अलावा मुंबई की फ्रेंचाइज के पास अंतर्राष्ट्रीय टी20 लीग में एमआई इमिरेट्स और दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग में एमआई केपटाउन की टीम है। जयवर्धने इन तीनों टीमों के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। इनके साथ ही जहीर खान को क्रिकेट डेवलपमेंट हेड बनाया गया है। जहीर तीनों टीमों के खिलाड़ियों को बेहतर करने की प्रतिभा निखारने का काम करेंगे। जहीर पहले क्रिकेट संचालक के निर्देशक पद पर थे। महिला जयवर्धने और जहीर खान स्पोर्ट्स स्टाफ के शीर्ष पदों पर होंगे। उनकी भूमिका के बारे में बताते हुए एमआई की तरफ से यह कहा गया है कि जयवर्धने सभी टीमों की रणनीति बनाने का काम करेंगे और सभी टीमों के प्रदर्शन को बेहतर करने की योजना बनाएंगे। सभी ही टीमों की कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारी भी तय करके हर टीम के हेड कोच के साथ करीब से करीब काम करेंगे ताकि सभी टीमों के प्रदर्शन भी एक साथ अच्छे रहें। जयवर्धने साल 2017 में मुंबई के हेड कोच बने थे और तब तक इस पद पर रहे। इसी दौरान मुंबई ने 3 बार चैंपियन बनी। उनके इस्तीफे के बाद जल्द ही नए कोच का ऐलान कर दिया गया। जहीर खान का काम युवा खिलाड़ियों की पहचान करना, अलग अलग जगह पर जाकर खिलाड़ियों को ढूंढना और उन्हें टीम के साथ जोड़कर टीम की प्रतिभा को बढ़ाना मुंबई इंडियंस की सफलता की यही वजह रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ साइट। धन्यवाद।